बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चटखारा यूट्यूब से मैं हूं उज़मा चौधरी। तो व्यूअर्स, आज हम चिकन स्पैगेटी बनाएंगे, चिकन वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे, बहुत ही मज़े की। तो आइए, सबसे पहले हम इधर 4 ग्लास पानी ले रहे हैं कढ़ाई में, और ये फुल पैकेट जो है स्पैगेटीज का मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे ऐसे ही बस हमने पानी में डाल देना है, जब पानी बॉयल आना शुरू हो गया तो ये खुद ही अंदर चली जाएंगी नरम होके। इसे अब पकने के लिए साइड पे करते हैं हम, और इधर फ्राई पैन लेते हैं। फ्राई पैन में हम ले रहे हैं 3 टेबल स्पून तकरीबन बटर ले रही हूँ इधर मैं, बिल्कुल फ्रेश जो है घर वाला मक्खन मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप बटर नहीं है आपके पास, मक्खन नहीं है, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इधर 2 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि और कोई गर्म मसाला तो जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि वाइट सॉस हम नूडल्स बना रहे हैं आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसकी 2-3 मिनट लो फ्लेम पर हमने भुनाई करनी है अच्छे से, ताकि लहसुन की भुनाई हो जाए, उसकी जो खुशबू हमें चाहिए वो इसमें आ जाए। और अब हम इधर 400 ग्राम चिकन शामिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने कटिंग का खास ख्याल रखना है कि बिल्कुल एक जैसी सब्जियों की और चिकन की कटिंग हो, तो बहुत ही अच्छा रब्त लगता है, बहुत ही अच्छी लुक आती है, और पता चलता है कि आप में बहुत टैलेंट है। तो ये देखिए, इसे हम 4 से 5 मिनट तक इधर भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि चिकन बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। इधर हमारी नूडल्स जो हैं वो पक रही हैं, देखिए अंदर चली गई हैं, ये बिल्कुल खुद ही पकना शुरू हो जाएंगे। इन्हें हमने कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। और इधर एक प्याली भर के मैं गाजरें ले रही हूँ, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट के लिहाज से बहुत ही अच्छी हैं, तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जो मर्ज़ी सब्ज़ी अवेल हो, जिसका सीज़न हो, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हमने इधर सब्ज़ियाँ डाल ली हैं, तो अब शिमला मिर्च डालते हैं। गाजर क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए वो मैंने पहले ऐड कर दी इसमें। अब शिमला मिर्च की थोड़ी सी हम इधर भुनाई करेंगे, और कुछ बाकी मसाले जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा इनाम है। 1 टीस्पून इधर नमक मैं शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ही काली मिर्च इधर मैं शामिल कर रही हूँ, और ये चीनी है 1 टीस्पून। ये सब्जियों के कलर को बहुत फ्रेश रखती है, इसलिए इसमें शामिल करें, एंड तक सब्जियों का कलर जो है बहुत अच्छा रहेगा। और 1 टेबल स्पून इधर सोया सॉस जाएगा। तो अब हम इसकी अच्छे से मिक्स करते हैं, थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं। और आपने ये ख्याल रखना है कि चिकन हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो जाए। अगर चिकन आपको लग रहा है कि अभी गला नहीं है, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए। मैं भी इधर 2 टेबल स्पून पानी डाल के तो इसे कवर करती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि चिकन जो है बिल्कुल डन हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल तैयार है, ये देखें जी। तो अब हम इसकी थोड़ी सी करते हैं और भुनाई, और ये देखिए इसको करते हैं साइड पे। और इधर हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। इधर मैं क्रीम ले रही हूँ, घर वाली फ्रेश क्रीम जो है। आप मक्खन ले लें, आप बेशक ऑयल घी कुछ भी ले लें, 3 टेबल स्पून है। और 1.5 टेबल स्पून इधर मैदा जाएगा इसमें, 1.5 टेबल स्पून मैदा डाल के इसे हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। चम्मच तेज़ तेज़ हिलाएंगे, मैदा इधर फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, बटर में अच्छी तरह से ये देखें, ये फूल चुका है मैदा। और अब हम इसमें बिल्कुल फ्लेम को ऑफ करके तो मिल्क ऐड करेंगे। तकरीबन 2 कप मिल्क इधर मैं ले रही हूँ, क्योंकि नूडल्स के स्पैगेटीज के फुल पैकेट है, तो इधर 2 कप दूध तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि हमने आज क्रीमी सा पास्ता बनाना है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये देखिए जी, इसमें हम ऐड करके तो जल्दी जल्दी चम्मच हिलाएंगे, ताकि इसमें गुठली ना बने। अब तेज़ तेज़ इसमें चम्मच हिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इधर मिक्स हो चुका है। अब हम इन्हें इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये बिल्कुल गाढ़ी सी फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए जी, इधर हमें इसकी ऐसी ही फॉर्म चाहिए क्रीमी सा पास्ता बनाने के लिए। तो अब हम इसमें वो अपनी सब्जियाँ और चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं तैयार करके। बर्तनों को बिल्कुल अच्छे से साफ किया करें, रिज़्क की कदर करने वालों के रिज़्क में बरकत होती है। तो इसको करते हैं मिक्स इधर, और अब एक और मसाला इधर हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए जी, वाइट पेपर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब वाइट पेपर बाद में ऐड करते हैं, ये चैडर चीज़ है हमारे पास,
ये हम इसमें ऐड करें तकरीबन 4 टेबलस्पून। तो चैडर चीज़ जो है बहुत क्रीमी होती है और हमने क्रीमी पास्ता आज बनाना है, तो इसमें हम चैडर चीज़ यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें करते हैं अपनी नूडल्स जो हैं वो मिक्स करते हैं, जिसे मैंने छान के रख लिया था जब ये बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो ये नूडल्स की इधर मिक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी बताइएगा आप कहाँ से फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के बुक पे और पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये ओरिगेनो है, इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है, इटालियन हर्ब है। तो देखिए जी, फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पेक्टिस तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो